वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखने आए हैं राजकीय संग्रहालय झांसी। तो दो साइड में हर्बीवोरस डायनासोर, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में टी रैक्स डायनासोरस रैक्स के मॉडल्स लगाए हुए हैं। और काफ़ी शानदार बिल्डिंग है और बाहर स्वतंत्रता सेनानियों के बस्ट लगाए हुए हैं। हम देखते हैं ये लोकल जनजीवन की झांकी के मॉडल्स लगाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये तो कोई सेनापति प्रतीत होते हैं और ये महिला और पुरुष काफ़ी बड़े। और यहाँ पर पेंटिंग है राइट हैंड साइड में, मॉडल्स हैं ये। और बड़ा सा जार रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर। कंक्वेस्ट ऑफ झांसी फोर्ट बाय रानी लक्ष्मीबाई, 5 के अंदर इसके मॉडल्स बनाए हुए हैं। देखिए आप, अंग्रेज सिपाही नीचे गिरे हुए हैं। और यह है मंगल पांडे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा मंगल पांडे, महाराजा गंगाधर राव, नाना साहेब भोंडो पंत, नाना साहब का बस्ट है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। और इधर है नाना साहेब अटैक ऑन व्हीलर्स एंट्रेंचमेंट, रानी लक्ष्मीबाई ने व्हीलर के टुकड़ी पर आक्रमण किया था, इंडियन म्यूटिनिटी एट मेरठ, जो प्रथम विद्रोह हुआ था उसका पिक्चर डिस्प्ले। और ये मंगल पांडे, एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे। और ये अलग अलग बस्ट लगाए हुए हैं यहाँ पर, तात्या टोपे, नाना साहब के। और ये लिटरेचर जो अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं काल के संग्राम पर, एक विहंगम दृश्य। झांसी से 100 मील का फासला 24 घंटे में पूरा कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे, राव साहब, भक्त बली और अन्य प्रमुख सेना नायकों से वह मिली। सबने मिलकर ग्वालियर किले पर अधिकार की योजना बनाई। दूसरी ओर झांसी किले पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज सत्ता भी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेजी फौज ने कालपी का किला घेर लिया। कालपी में अंग्रेजी सेना में घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। जनरल ड्वायर घायल होकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए दांतों से घोड़े के लगाम पकड़े रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हुई अंग्रेजों से बहुत दूर चली गई। उसके साथ अनेक विश्वास पात्र सैनिक थे। अब बर्ड्स आई व्यू ऑफ कालपी वॉर। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, वो जो अलग अलग योद्धा हैं वो इसमें दिख रहे हैं। उसी तरह से झांसी का परित्याग और कालपी की ओर कूच। 20 मार्च 1858 का वह काला दिन, इस दिन अंग्रेज सेना नायक जनरल ह्यूरोज ने एक बड़ी फौज के साथ झांसी के किले को घेर लिया था। 3 दिन की घेराबंदी के बाद 23 मार्च का युद्ध आरंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई, सेना और जनता ने अंग्रेजी फौज का डटकर मुकाबला किया। हज़ारों लोग आहत और हताहत हुए, फिर भी रानी ने हार में नहीं मानी। दुर्भाग्यवश देशद्रोहियों ने ओरछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजों ने नगरवासियों में मारकाट मचाती, नगर युद्ध स्थल में बदल गया। 10 दिनों तक नगर में मारकाट, आगजनी और लूटपाट होती रही। 4 अप्रैल को रानी किले से बाहर निकले अपने विश्वस्त सिपाहियों से कालपी की ओर कूच कर गई। देखिए आप, बैकग्राउंड में झांसी का किला दिखा रखा है। और ये रानी लक्ष्मीबाई मुंह से लगाम बांधे हुए दामोदर राव को पीछे बांधकर किले से बाहर निकल गई। अनेक युद्ध के दृश्य पेंटिंग और मूर्तियों के द्वारा दर्शाए गए हैं। उसी तरह ग्वालियर संग्राम में घिरी रानी पर अंग्रेजों का क्रूर प्रहार। देखिए, रानी को एक गोली कंधे में, एक गोली और कमर में लगी और उनका अंग्रेजी सैनिक के प्रहार से उनका सिर फट गया था। इसके बाद एक मंदिर के पास उन्होंने अपने
प्राण त्याग दिए थे। ग्वालियर संग्राम में घिरी रानी पर अंग्रेजों को पहाड़, जहाँ से की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व सभी हरियाणा को सरलता से ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों की शरण में आगरा भाग गए। ग्वालियर की सेना और जनता ने रानी का स्वागत किया और अंग्रेजों की सहायता की। 17 जून को अंग्रेजों की एक बड़ी फौज ने ग्वालियर को घेर लिया। दोनों सेनाओं में घमासानी दौरान लक्ष्मीबाई किले से बाहर निकली हुसार दस्ते को नष्ट कर आगे बढ़ने लगी। हुसार दस्ता भी पीछा करने लगा। रानी का घोड़ा नया था, वह स्वर्ण रेखा नाला पर पार नहीं कर सका। रानी ने चारों ओर तिरंगी सैनिक थे, तभी एक सैनिक ने उनकी पसली में संगीन भोंक दी और दूसरे ने सिर पर वार किया। रानी की आंख बाहर निकल पड़ी। रानी के सैनिकों ने दस्ते हुसार का सफाया कर दिया। तब तक रानी अचेत हो गई थी। रानी के सैनिक उन्हें लेकर चले गए। अब देखिए, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और ये रानी लक्ष्मीबाई और ये उनकी चिता में तस्वीर देखिए आप। वेरी ब्यूटीफुली मेड म्यूजियम। झोंकन बाग नरसंहार का एक दृश्य। राजप्रमुख की मंत्रणा से रानी ने किला छोड़ दिया और रानी महल में रहने लगी। 5 जून 1857 को छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 6 जून को उन्होंने सरकारी कार्य पर अधिकार कर झांसी का किला घेर लिया, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी रह रहे थे। 8 जून को किले में स्थित अंग्रेजों ने विद्रोही सिपाहियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रजाजन भी विद्रोही सिपाहियों के साथ मिल गए। झोंकन बाग पहुँचते विद्रोह ने अंग्रेजों को बीवी बच्चों सहित कत्ल कर दिया। आज भी झोंकन बाग में ये कब्रिस्तान देखा जा सकता है। झोंकन बाग नरसंहार का दृश्य। अंग्रेजों के बीवी बच्चों को मार दिया था। ये है झांसी के राज दरबार में आनंद राव का नामकरण दामोदर राव। राजा गंगाधर राव के राज परिवार पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। राज दरबार में आनंद उत्सव मनाया गया, किंतु दुर्भाग्यवश 3 माह बाद ही वह काल कवली तो गया। गंगाधर राव सगा को सही नहीं कर सके। रानी भी गंभीर रूप से शोक उठी। राजा पुत्र शोक से चिंतित रहने लगे और बीमार हो गए। परिजनों राज दरबारियों के परामर्श के बाद उन्होंने नेवालकर वंश के ही आनंद राव को गोद लेने का निश्चय किया। राजा ने दत्तक पुत्र को युवराज दामोदर राव नाम दिया। समस्त राज्यसभा ने इसे मान्यता प्रदान की। युवराज दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकार स्वीकार किया गया। सभी ने राजा और रानी को बधाई दी। हम आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड में पेंटिंग्स बनाई हुई और मॉडल्स भी बनाए हुए हैं दरबार के। विवाह संस्कार रहा। राजा गंगाधर राव और मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई। ये उनके विवाह का दृश्य क्रिएट किया गया है। तलवार संचालन में मनु और नाना की तलवार संचालन की गतिविधियां यहां पर दिखाई गई है। घुड़सवारी में नाना और राव से भी आगे निकली मनु। देख सकते हैं आप इसमें ये मनु है जो नाना और राव से भी आगे निकल गई है। और ये है पिता मोरोपंत और राजपंडित तात्या दीक्षित के साथ पुत्री मनु। पिता और राजपंडित के साथ मनु का चित्र दिखाया गया। चलिए उस तरफ चलते हम। काफ़ी सुंदर दृश्य, आकृतियाँ, मॉडल्स बनाए हुए हैं। रानी की घोषणा में अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसके मॉडल्स बनाए हुए। रानी की घोषणा, रानी ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने जब उनसे झांसी मांगी विधवा होने के उपरांत तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बरुआ सागर किले के राज दरबार में बंदी कुंवर सागर सिंह। ये रानी का काफ़ी डार्क होने से दिख नहीं रहा है। झांसी राज्य के निकटवर्ती क्षेत्र बरुआ सागर में डाकू सागर सिंह का उत्पात मचा हुआ था। झांसी के सेनानायक खुदाग बख्श को भी उसका पता नहीं चल पाया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं उसकी आतंकी सागर सिंह को बंदी बनाने का संकल्प किया। दूसरे दिन बरुआ सागर के जंगलों घेर लिया। छोटी सी मुठभेड़ के बाद सागर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। वसुधा अंग्रेज से पीड़ित होकर उत्पात किया करता। रानी ने सागर सिंह को क्षमादान देकर आज़ाद कर दिया। उसे कुंवर की उपाधि भी दी। देखिए ब्लैक क्ले मॉडल्स इन्होंने बना रखे हैं। इसके बाद है दरबारियों और अंग्रेज मित्रों के साथ रानी लक्ष्मीबाई।
वेरी डार्क, यू कांट सी एनीथिंग। उसके बाद है शोका कुल रानी लक्ष्मीबाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते नाना और कांतिया टोपे, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। मृत्युशैया पर राजा गंगाधर राव, यह है राजा गंगाधर राव मृत्युशैया पर रानी लक्ष्मीबाई और दामोदर राव को दिखाया गया है। इसके बाद है झांसी के राजा गंगाधर राव दरबारियों सहित राजकीय नाट्यशाला में, राजकीय नाट्यशाला में गंगाधर राव को दिखाया गया है। राजा गंगाधर राव द्वारा रॉबर्ट एलिस को दत्तक दस्तावेज देना, रॉबर्ट एलिस को दत्तक दस्तावेज दिए गए हैं गंगाधर राव द्वारा। और अब हम ये देख लेते हैं ये जो पूरा पैनल इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी भव्य है। यह राजा गंगाधर राव के भाई भाव सदाशिव को बंदी बनाती हुई रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिक, उनके जो भाई थे सदाशिव, उनको बंदी बना लिया गया था और सदाशिव द्वारा विश्वासघात करने के उपरांत ही झांसी अपने राजसत्ता खो बैठी। विद्रोह के समय के अलग अलग स्टेट्स थे वो यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं झांसी की द फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, जिस पर हनुमान जी अंकित हैं। और ये रिवोल्ट एट झांसी मैसेकर ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर वाइव्स 8 जुलाई 1857, ऑफिसर्स की वाइफ और बच्चों का कत्ल कर दिया था। डिफीट ऑफ पेशवास आर्मी बिफोर झांसी 1 अप्रैल 1858 का दृश्य है। डिफेंस ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली एनकाउंटर ऑफ लेफ्टिनेंट हिल्स आरी विद रेबेलियन कैवलरी एट सब्जी मंडी, अंग्रेजों की सेना के साथ मुठभेड़। फतेहपुर सीकरी वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बिटवीन 1570 एंड 1586, प्रिजर्वड मुगल सिटी। बहादुर शाह जफर का फ्लैग 1857 में फ्लैग वॉज यूज बाय बहादुर शाह जफर। देख सकते हैं आप इसमें कैसे राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, उसी तरह ग्वालियर, झांसी। यह है फतेहपुर सीकरी 1857 में, लाहौर गेट ऑफ द रेड फोर्ट एट दिल्ली कैप्टन डगलस वॉज किल्ड हियर ऑन 11 मई 1857 फ्रॉम सॉल डेविड द इंडियन मीटिंग 1857 लंदन। ये यहाँ लाहौर गेट है जो आजकल मुख्य गेट है लाल किले का, और यहाँ पर हस्तलिखित विनय पत्रिका है उमाशंकर खरे द्वारा, और यह हस्तलिखित मद भागवत गीता, और उसी तरह की एक पुस्तक है जो हस्तलिखित है उस वक्त की दिल्ली। अब दिल्ली के देखिए सेकंड बंगाल फ्यूजिलियर्स सेपॉय सिरमॉन रूम ऑफिसर, अलग अलग ऑफिसर्स की पेंटिंग है यहाँ पर है, ढाल और तलवार धनुष और तरकश जो यूज़ किए जाते थे, ये अलग अलग तरह की तलवारें हैं, तलवार और ढाल बर्छियाँ, ये तलवारें तलवार और ढाल, परसा कटार गुप्ती कटार, ये अलग अलग तरह की तलवारें हैं। उसी तरह के लड़ने के अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं, डैगर पड़ा गुप्ती। बंदूक की संगीन बंदूक, बंदूक की संगीन। और ये झांसी किले का एक दृश्य, अब देखिए उस वक्त झांसी किला इस तरह से दिखता था, लेकिन आज काफ़ी भव्य है। उस वक्त जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना इकट्ठी होकर आक्रमण करती, छोटी तोप टोड़ी फतेहपुर झांसी में छोटी तोप मिली है महारानी लक्ष्मीबाई का पोस्ट। और ये है बंदूक, छर्रेदार बंदूक, बंदूक की गोली, तोपों को चलाने में प्रयोग की जाने वाली बत्तियाँ,
तोप का गोला, ये तोप के गोले और छोटी तोप है। ओके गाइस, इसी को यहीं एंड करते हैं, बाय।